हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीवा यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्रोनॉमी मॉक टेस्ट नंबर 10 ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर बाय एसआर कंसा बुक। सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 211। अ कैलिब्रेटेड डिवाइस फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन ओपन कंडक्ट इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन वी नॉच, सेकंड ऑप्शन पार्शियल फ्लूम, थर्ड ऑप्शन वाटर मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। सो अ कैलिब्रेटेड डिवाइस फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन ओपन कंडक्ट इज नोन एज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट मीन्स पार्शियल फ्लूम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पोरल कॉम्प्लीमेंटेरिटी इन इंटरक्रॉपिंग रिजल्ट्स फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन द ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप्स डिफरिंग इन टाइम। सेकंड ऑप्शन the growth patterns of the component crop differing in height. Third option, differences in yield. Fourth option, differences in cost of cultivation. So, a temporal complementarity in intercropping results from option number first. That means from the growth patterns of the component crops differing in time. Then next question, in dwarf wheat, sowing depth is related to. फर्स्ट ऑप्शन लेंथ ऑफ रेडिकल, सेकंड ऑप्शन लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल, थर्ड ऑप्शन टेम्परेचर एंड फोर्थ ऑप्शन ह्यूमिडिटी। सो इन ड्वार्फ वीट सोइंग डेप्थ इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट मीन्स लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोहिजिवनेस एंड टेंडरनेस ऑफ कुक राइस डिपेंड्स लार्जली ऑन। फर्स्ट ऑप्शन द परसेंटेज ऑफ अमाइलोज, सेकंड ऑप्शन द परसेंटेज ऑफ अमाइलोपेक्टिन, थर्ड ऑप्शन द प्रोपोर्शन ऑफ अमाइलोज एंड प्रोटीन एंड फोर्थ ऑप्शन द प्रोपोर्शन ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। सो द कोहिजिवनेस एंड टेंडरनेस ऑफ कुक राइस डिपेंड्स लार्जली ऑन ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ QI रिलेशनशिप वॉज डेवलप्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन मिस्टर लीच, सेकंड ऑप्शन बेकेट, थर्ड ऑप्शन स्कोफील्ड एंड फोर्थ ऑप्शन मार्टिन। सो द कंसेप्ट ऑफ QI रिलेशनशिप वॉज डेवलप्ड बाय ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट मीन्स बेकेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच सीड ऑफ लेग्यूम क्रॉप शुड बी ट्रीटेड विथ वन पैकेट ऑफ राइजोबियम कल्चर। फर्स्ट ऑप्शन 5 kg, सेकंड ऑप्शन 10 kg, थर्ड ऑप्शन 15 kg एंड फोर्थ ऑप्शन 20 kg। जनरली 10 kg सीड ऑफ लेग्यूम क्रॉप शुड बी ट्रीटेड विथ 1 packet ऑफ राइजोबियम कल्चर, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। फर्स्ट ऑप्शन वीट सीड रेट 100 kg पर हेक्टर, सेकंड ऑप्शन उर्द सीड रेट 20 kg पर हेक्टर, थर्ड ऑप्शन मेज सीड रेट 18 kg पर हेक्टर एंड फोर्थ ऑप्शन मस्टर्ड सीड रेट 10 kg पर हेक्टर। सो द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट मीन्स मस्टर्ड सीड रेट 10 kg पर हेक्टर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द हस्कलेस वेराइटी ऑफ बार्ले इज। फर्स्ट ऑप्शन मंजुला, सेकंड ऑप्शन KK141, थर्ड ऑप्शन डोलमा एंड फोर्थ ऑप्शन RS6। सो द हस्कलेस वेराइटी ऑफ बार्ले इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट मीन्स डोलमा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। फर्स्ट ऑप्शन मस्टर्ड वेराइटी बसंती, सेकंड ऑप्शन ग्राउंडनट वेराइटी चंद्रा, थर्ड ऑप्शन लेंटिल वेराइटी मलिका एंड फोर्थ ऑप्शन अरहर वेराइटी नीलम। द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट मीन्स अरहर वेराइटी नीलम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्राउन रूट्स इन वीट अपियर। फर्स्ट ऑप्शन अबो सॉइल सरफेस, सेकंड ऑप्शन बिलो सॉइल सरफेस बट अबो सीड, थर्ड ऑप्शन बिलो सॉइल सरफेस एंड बिलो सीड एंड फोर्थ ऑप्शन बिलो सीड। सो द क्राउन रूट्स इन वीट अपियर बिलो सॉइल सरफेस बट अबो सीड, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन टू मेन सीजनल क्रॉप इज टर्म एज। फर्स्ट ऑप्शन कैश क्रॉप,
सेकंड ऑप्शन इंटरक्रॉप, थर्ड ऑप्शन कंपेनियन क्रॉप एंड फोर्थ ऑप्शन कैच क्रॉप। सो अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन टू मेन सीजनल क्रॉप्स इज टर्म एज ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट मीन्स कैच क्रॉप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरोधी वेराइटी ऑफ ग्राम इज रेजिस्टेंस टू फर्स्ट ऑप्शन विल्ट, सेकंड ऑप्शन ब्लाइट, थर्ड ऑप्शन फ्लडिंग एंड फोर्थ ऑप्शन ड्रॉट। सो अवरोधी वेराइटी ऑफ ग्राम इज रेजिस्टेंस टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स विल्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्रॉप द यूज ऑफ ब्लू ग्रीन अल्गी एज अ बायो फर्टिलाइजर विल बी मोस्ट यूजफुल। फर्स्ट ऑप्शन मेज, सेकंड ऑप्शन पोटैटो, थर्ड ऑप्शन राइस एंड फोर्थ ऑप्शन शुगर केन। सो द यूज ऑफ ब्लू ग्रीन अल्गी एज अ बायो फर्टिलाइजर विल बी मोस्ट यूजफुल इन राइस क्रॉप, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेजिटेबल ऑयल इज गुड फॉर हार्ट पेशेंट। फर्स्ट ऑप्शन ग्राउंडनट ऑयल, सेकंड ऑप्शन मस्टर्ड ऑयल, थर्ड ऑप्शन सोयाबीन ऑयल एंड फोर्थ ऑप्शन सनफ्लावर ऑयल। द वेजिटेबल ऑयल विच इज गुड फॉर हार्ट पेशेंट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट मीन्स सनफ्लावर ऑयल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज अप्लाइड इन टू ट्रांसप्लांटेड राइस इन द प्रपोर्शन ऑफ फर्स्ट ऑप्शन 50% एट बेसल प्लस नील एट टिलरिंग प्लस 50% एट पैनिकल इमर्जेंस स्टेज, सेकंड ऑप्शन नील एट बेसल प्लस 50% एट टिलरिंग प्लस 50% एट पैनिकल इमर्जेंस स्टेज, थर्ड ऑप्शन 25% एट बेसल प्लस 50% एट टिलरिंग प्लस 25% एट पैनिकल इमर्जेंस स्टेज, फोर्थ ऑप्शन 50% एट बेसल प्लस 25% एट टिलरिंग प्लस 25% एट पैनिकल इमर्जेंस स्टेज। सो अ नाइट्रोजन इज अप्लाइड इन टू ट्रांसप्लांटेड राइस इन द प्रपोर्शन ऑफ ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट मीन्स 50% एट बेसल प्लस 25% एट टिलरिंग प्लस 25% एट पैनिकल इमर्जेंस स्टेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टर ऑफ सोर्गम इज फर्स्ट ऑप्शन 50,000 प्लांट्स, सेकंड ऑप्शन 1,00,000 प्लांट्स, थर्ड ऑप्शन 1,50,000 प्लांट्स एंड फोर्थ ऑप्शन 2,00,000 प्लांट्स। सो द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टर ऑफ सोर्गम इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट मीन्स 1,50,000 प्लांट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप ग्रोन इन यूपी दैट मीन्स उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग ऑल थ्री सीजन्स इज फर्स्ट ऑप्शन उर्द, सेकंड ऑप्शन सोर्गम, थर्ड ऑप्शन मूंग एंड फोर्थ ऑप्शन मेज। सो द क्रॉप ग्रोन इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग ऑल थ्री सीजन्स इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट मीन्स मेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशंस इन ग्राम आर रिकमेंडेड एट फर्स्ट ऑप्शन अर्ली फ्लावरिंग एंड मैच्योरिटी स्टेज, सेकंड ऑप्शन लेट फ्लावरिंग एंड मैच्योरिटी स्टेजेस, थर्ड ऑप्शन अर्ली फ्लावरिंग एंड पॉट फॉर्मेशन स्टेजेस एंड फोर्थ ऑप्शन बिफोर फ्लावरिंग एंड पॉट फॉर्मेशन स्टेजेस। सो द इरिगेशंस इन ग्राम आर रिकमेंडेड एट ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट मीन्स बिफोर फ्लावरिंग एंड पॉट फॉर्मेशन स्टेजेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, UPAS 120 is a variety of first option wheat, second option pigeon pea, third option barley and fourth option urd. So UPAS 120 is a variety of option number second, that means pigeon pea. Then next question, interculture in groundnut is avoided at first option flowering stage, second option seedling stage, third option pegging stage and fourth option none of these. So interculture in groundnut is avoided at option number third, that means at pegging stage. Then next, thank you friends for watching our video. Hope you find it useful. Please subscribe to our channel for more such videos. Thank you.